हेलो जी, कैसे हो आप सब। पेट की इस सीरीज में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ संधि के बाद अगला वीडियो, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, विलोम शब्द का। विलोम शब्द की इस सीरीज में मैं उन लगभग सारे एग्जाम्पल्स को कवर करूँगा जिनको यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है। और विलोम ऐसे नहीं दिन के रात, राजा का रानी, इतने भी इजी नहीं। विलोम वही इसमें आपके कवर किए जाएंगे जिनको एग्जाम में करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को। उससे पहले आप प्लीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि टेक और वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपके वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं अपना विलोम शब्द का एक नया बढ़िया सा वीडियो। पहला शब्द लेते हैं अक्षत। अक्षत। अक्षत का अर्थ ये होता है कि जिसका जिसकी क्षति ना हो सके, जो टूट ना सके, जो टूटा हुआ ना हो। जब घरों में पूजा होती है, हमारे घरों में पूजा जब होती है तो कहते हैं अक्षत ले आओ। तो अक्षत उन चावल के दानों को कहते हैं जो टूटे हुए नहीं होते हैं, यानी पूरे होते हैं। तो अक्षत उस अक्षत वो शब्द है जो इस चीज को डिनोट करता है कि कोई भी ऐसी चीज जो भंग नहीं हुई है, जो खुद में पूरी है, पूर्ण है, वो अक्षत है। तो अक्षत का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है विच्छत। विच्छत का अर्थ होता है टूटा फूटा, इधर उधर बिखरा हुआ, और अक्षत का मतलब होता है जो टूटा नहीं है। फिर हो गया अर्पण। अर्पण। अर्पण का मतलब क्या होता है? अर्पण का मतलब होता है कि हमने किसी को कुछ दे दिया, कुछ दे दिया, कुछ दान कर दिया। तो अर्पण का मतलब हुआ मैंने दिया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रहण, यानी मैंने लिया। फिर हो जाएगा अर्वाचीन, अगला शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? अर्वाचीन का मतलब होता है नया नया, अभी 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 जो बिल्कुल तुरंत, ये होता है अर्वाचीन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको शब्दों को समझा समझा के पूरा बताऊंगा ताकि आप उसको हमेशा याद रख पाए। फिर अगला शब्द है आपके पास अनुज। तो अनुज का तो शायद बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो बड़े भाई को कहते हैं अग्रज। ठीक है, अगला शब्द हो गया अपराधी। अपराधी। अपराधी का मतलब वो होता है कि जिसने कुछ गलत काम किया है, जिसने कुछ अपराध किया है, वो अपराधी है। तो अपराधी शब्द का विलोम बनाने के लिए इसके आगे नी लगा देते हैं और बन जाता है निरपराधी। निरपराधी। इसके आगे निर उपसर्ग लगा देते हैं और बन जाता है निरपराधी। फिर शब्द है उपेक्षा या अपेक्षा। अपेक्षा का हो गया उपेक्षा। अब अपेक्षा होता है, अपेक्षा मतलब होता है जिसे कहते हैं ना कि हमें आपसे बड़ी अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब होती है आशा। आशा है, ठीक है, कि आप ऐसा काम करेंगे। तो उसका उल्टा हो जाता है उपेक्षा, यानी आपने इग्नोर कर दिया। अब आप उसका वो काम नहीं करना चाहते हैं, आपने इग्नोर कर दिया। तो ये इसका विपरीत शब्द हो गया। फिर हो गया एक शब्द हो गया आडंबर। आडंबर। आडंबर का मतलब होता है फर्जी का दिखावा। बहुत ज्यादा जो दिखावा करते हैं उनको उसको कहते हैं ये सब आडंबर कर रहा है। तो इसका जो विपरीत होता है वो क्या होता है? सादगी हो जाएगा, है ना, जो बिल्कुल दिखावा ना करे, तो सादगी पसंद है। फिर हो गया आज्ञा पालन।
आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन का विपरीत क्या हो जाएगा? आज्ञा पालन मतलब आपका हर कुछ कहना माने कोई, तो उसको आज्ञा पालन कहते हैं। अब आज्ञा अगर कोई आपकी नहीं मान रहा है तो उसको कहते हैं अवज्ञा, यानी आपकी आज्ञा नहीं माना तो वो हो गई अवज्ञा। फिर होता है आनंद, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद का विपरीत क्या होता है? आनंद का विपरीत क्या होता है आप लोग बताइए? आनंद का विपरीत होगा क्या? आनंद का मतलब होता है हर्ष, है ना, हर्ष खुशी, है ना, इस टाइप का अर्थ इसका निकलता है। एग्जैक्ट इसका अर्थ खुशी नहीं होता है, इसका अर्थ, आनंद का अर्थ अलग ही शब्दों में आप समझ ही नहीं सकते। इसका शब्द अर्थ ऐसा होता है कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आनंद का जो उल्टा होता है वो होता है विषाद। विषाद का मतलब होता है शोक, ठीक है, विषाद या शोक, ये होता है आनंद। और फिर कौन सा? आपत्ति। आपत्ति, आपत्ति का तो मतलब पता ही होगा आप लोगों को, इसका होता है संपत्ति, संपत्ति। फिर आय, आय मतलब पता है इनकम, आय मतलब इनकम, तो इसका होता है व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसी से कुछ है शब्द आसे, हाँ हो सकता है, आक्रांत मान लीजिए, इसलिए आगमन, आगमन ज्यादा सही शब्द है, आगमन। अच्छा आगमन मतलब क्या होता है? अराइवल, कोई आया है तो उसको आगमन कहते हैं, तो कोई गया उसको कह देंगे हम प्रस्थान, यहाँ से कितने बजे प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो ये लगभग आ वाले जितने भी आपके शब्द हैं अच्छे अच्छे वो मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ। अब इसके बाद चलते हैं हम ई शब्द की ओर। इष्ट, इष्ट, इष्ट मतलब होता है जो आपको बड़ा मतलब प्रिय हो, है ना, जो अच्छा लगने वाला कुछ हो जाए तो उसका हो जाता है अनिष्ट, यानी ऐसा जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, अनिष्ट हो गया। अब एक होता है इहलोक, इहलोक, इहलोक मतलब होता है जहां पे आप इस समय हैं, जिस धरती पे, इहलोक मतलब इस लोक में, तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ के बाद लोग कहाँ जाते हैं? परलोक, परलोक चले जाते हैं। फिर उत्कर्ष, 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 उत्कर्ष का मतलब होता है किसी की उन्नति, तो इसका हो जाता है, इसके आगे आप अप लगा देंगे, अपकर्ष, अपकर्ष। फिर और बताइए, फिर हो सकता है एक शब्द है उग्र, उग्रवादी, है ना, उग्र मतलब होता है किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाओ आप, कि मतलब यही बस करना है और कुछ नहीं करना, ये उग्रता हो गई, जिद हो गई आपकी एक टाइप की, वो उग्र हो गया। तो उग्र का होता है सौम्य, सौम्य का मतलब ये होता है कि आप बड़े प्यार से मतलब समझ रहे हैं किसी चीज को, कि अच्छा ऐसा हो तो चलो ठीक कोई बात नहीं। तो ये हो गया सौम्य। फिर हो गया उज्ज्वल। अब उज्ज्वल लिखना भी आप लोग देखो सीख लो, उ फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा और ला, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ये करेक्शन में भी आता है शब्द के लिए कि उज्ज्वल कैसे, तो उसमें गलत उज्ज्वल लिखा रहता है। ये उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब होता है एकदम चमचमा रहा है, एकदम मतलब पका के चमक रहा, चमक से एकदम चमचम चमचम हो रहा है, वो उज्ज्वल है। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, धूमिल, यानी किसी के ऊपर धूल पड़ गई, है ना। तो जैसे शीशा होता है ना, शीशा गंदा हो जाता है तो उसको आप जब पोंछ दे, पहले वो धूमिल होता है, फिर उसको पोंछ देते हैं तो वो उज्ज्वल हो जाता है, ठीक है। अब एक शब्द हो गया उन्नति, उन्नति, तो उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति, अवनति। उत्थान, ये थोड़े से इजी है, उत्थान, उत्थान मतलब उन्नति ही होता है, लेकिन अगर उत्थान है तो इसका पतन लिखेंगे, पतन। और एक चीज और आप हमेशा याद रखें, अगर आपका कोई भी पर्यायवाची, सॉरी, कोई भी विलोम शब्द संस्कृत का विलोम शब्द है, तो उसका जो आप विलोम लिखोगे वो संस्कृत में ही लिखोगे, इस बात को हमेशा याद रखना। फिर उदय, उदय का तो सबको पता है अस्त होता है ना, उदय का क्या होता है? अस्त।
ब्रिटेन के लोग जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, आज उनके कपड़े कौन पहनता है, उनके वायसराय के कपड़े अपने वहां बैंड बाजा भाई। फिर होता है, अच्छा हाँ, ऋजु का मतलब क्या होता है? ऋजु का अर्थ क्या होता है? ऋजु का मतलब होता है सीधा, है ना, सरल, सरल रेखीय, कहते थे ना ऋजु रेखीय, तो इसका होता है वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऋजु मतलब सीधा। ठीक, अगला ऐक्य। ऐक्य मतलब होता है एक, तो इसका क्या हो जाएगा? अनैक्य। ऐक्य का अनैक्य। ऐश्वर्य कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है लग्जरी। सेल्फ पिटी इज द मोस्ट लग्जरियस थिंग्स द ह्यूमन काइंड कैन हैव। तो लग्जरी जो होता है उसका मतलब होता है, आप कहते हैं ना लग्जरी बस, मतलब एकदम अंदर बिल्कुल चमक रही है, दमक रही है, A1 क्लास की हर चीज, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। उसका उल्टा होता है अनैश्वर्य। फिर करुण। करुण, करुण मतलब होता है आप बहुत ही काइंड है, आप किसी भी चीज को हैंडल करना है तो उसको आप एडजस्ट करके हैंडल करते हैं, है ना। बच्चा रो रहा है तो आपके अंदर प्रेम आ जाता है कि कैसे इसको शांत कराएं, टॉफी ले देते हैं इसको। करुण, तो करुण का होता है निष्ठुर। निष्ठुर मतलब एकदम पत्थर दिल, ठीक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ हो जाए, हम बैठे हैं यहीं पे, ठीक है, कोई प्यास से एकदम तड़प रहा है, कोई हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो होता है निष्ठुर ऐसा आदमी। और ये बहुत बेकार आदमी होते हैं ऐसे लोग। और सब तो बताइए, कलंकित या कलंक। कलंक नहीं, कलंक का होता है निष्कलंक। निष्कलंक, कलंक का निष्कलंक। और शब्द जैसे जो महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए हैं वो मैं कवर करता हूँ। विलोम शब्द भी मुझे लग रहा है कम से कम दो वीडियो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं वो आपके कवर हो पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपका पेट का जो विलोम है वो इसमें से आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो निरर्थक, निरर्थक हो गया, पहले लिख लेता हूँ। निराकार, निराकार हो गया। निरामिष, निरामिष। आप लोग पहले लिख के आप बताए, आप सोचते रहिए मन में कि इसमें से किस किस के आपको आते हैं। निर्बल, निर्बल हो गया। नैसर्गिक, कौन सा? नैसर्गिक, नैसर्गिक, ठीक है। और न्यून, ठीक है। तो निरर्थक का अर्थ ये होता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो वही निरर्थक है। क्या बात है, कितनी बार अर्थ आया, जिसका कोई मीनिंग नहीं है वो निरर्थक है। तो इसका होता है सार्थक, जिसका एक कोई बढ़िया सा अर्थ हो। निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है वही तो निराकार है, तो उसका क्या होता है? साकार। निरामिष, निरामिष का क्या हो जाएगा? निरा, देखिए जितने जिस एक चीज आप ऐसे भी याद सकते हैं जिसमें निर उपसर्ग लगा है, वो सारे उनका विलोम सा लगाने के बाद बन जाता है। उसे निराकार था तो हमने निरा हटा दे के साकार लगा दिया, सा लगा दिया। ऐसे ही निरामिष है तो इसका शामिष कर दीजिए। निर्बल, सबल ये तो सबको पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाता है? आप कहते हैं ना कृत्रिम है ये, कृत्रिम। न्यून, न्यून मतलब होता है कम, न्यून मतलब कम मात्रा में, कम, तो न्यून का होता है अधिक। आप कहते हैं ना न्यूनतम। और एग्जाम्पल देखो, निषिद्ध। और कौन सा हो सकता है? निषिद्ध, निषिद्ध हो गया। पंडित, पंडित और पद्य,
पद्य बहुत इम्पोर्टेंट है, पद्य और पट्टू या प्रीति कर लो, प्रीति प्रीति फूल, फूल का क्या होता है, कांटा, फूल और कांटे, मूवी है ना फूल और कांटे, तो फूल का कांटा। प्रीति का क्या होता है, प्रीति का मतलब होता है कि आपको किसी से लगाव है, उसको कहते हैं प्रीति। ठीक है, तो प्रीति का विपरीत हो जाता है द्वेष, आपको किसी से नफरत है, नफरत को द्वेष कहते हैं। पद्य मतलब गद्य, पंडित, पंडित मतलब जो ज्ञानी है उसको पंडित कहते हैं। ठीक है, अब पंडित और ब्राह्मण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पंडित और ब्राह्मण में फर्क होता है। तो पंडित का जो उल्टा होता है वो होता है मूर्ख, मूर्ख। निषिद्ध, निषिद्ध का जो आपका विपरीत होता है वो होता है विजित, और कुछ आपको एग्जाम्पल अच्छे अच्छे से ढूंढा के देता हूँ मैं, जो बहुत ही बेहतरीन चुनिंदा शिमला से सीधे लाए गए हैं। निरक्षर, निरक्षर, और बताइए धीर, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको हर एक परीक्षा छोड़ के देखने को मिलते हैं, और एक परीक्षा छोड़ के आपका पेट का आएगा तो उसमें ये देखने को मिलेंगे। ध्वंस, ध्वंस, दंड, दंड, थोक, तो निरक्षर, निरक्षर का विपरीत साक्षर, अनपढ़ नहीं होता है निरक्षर का विपरीत। धीर, धीर का क्या होता है, धीर मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य है, धैर्य, बहुत वो वेट कर सकता है चीजों के लिए, उसको धीर कहते हैं। अधीर मतलब आप बहुत ही चंचल हैं, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं है, बस समोसा अभी तुरंत चाहिए, कढ़ाई में है उसी में से हाथ डाल के निकाल। ध्वंस, ध्वंस मतलब होता है सर तोड़ फोड़ डालो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बना लो ना, तो निर्माण। दंड, दंड का विपरीत, दंड मतलब होता है आपने किसी को किसी अपराध के लिए उसको दंड दिया है, यानी सजा दी है, तो दंड अपराध के लिए दिया जाता है, तो पुरस्कार अच्छे काम के लिए दिया जाता है। थोक, थोक मतलब होता है क्या, थोक होता है आप एक साथ कोई ज्यादा सामान ले रहा है तो उसको आप सस्ते में देते हैं ना, तो वो थोक होता है, तो उसका विपरीत होता है फुटकर, विपरीत क्या होता है, फुटकर। तो ये कुछ शब्द हैं जो आज वीडियो में मैंने कवर किए हैं, इसके अलावा जो कुछ एक और कुछ मुझे इम्पोर्टेंट याद आ रहे हैं वो भी मैं जल्दी से करा देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं, सबसे महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए सब लेके आया हूँ वो भी कवर करा दूंगा। फिर है मलिन, मलिन, मलिन का मतलब होता है गंदा, है ना, तो इसका जो होता है शब्द विपरीत होगा निर्मल। मलिन का मतलब होता है मलिन बस्ती कहते हैं, जहाँ पे लोग ऐसे झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, वहां कुछ साफ सफाई नहीं होती। और फिर है महात्मा, महात्मा, तो महात्मा का विपरीत होगा, जैसे महात्मा है और वो कौन, कैसी आत्मा होगी वो, भाई दुरात्मा होगी वो, बेकार, दू जहां पे आता है वो खराब ही तो हो जाता है। महान, महान का विपरीत होता है तुच्छ, तुच्छ हो जाएगा। फिर है मान लो अपने योगी जी, तो योगी का होता है जो सब कुछ छोड़ दे, है ना, त्यागी, योगी का हो जाएगा भोगी, उल्टा भोगी हो जाएगा, कई योगी आजकल भोगी ही है। फिर आता है यश, यश का मतलब होता है आपका बहुत दूर दूर तक नाम है, आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, उसका उल्टा होता है अपयश मतलब बदनामी, यश मतलब होता है आपकी चर्चा और अपयश है कुचर्चा। रद्द, यहाँ पे लिख दो, रद्द, रद्द का होता है बहाल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ शब्द थे जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और अगले वीडियो में इसी विलोम का, विलोम शब्दों के जो पार्ट टू है वो मैं कवर करूंगा। तो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका और ज्यादा धन्यवाद, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, और दोस्तों के बीच शेयर करिए और लाइक करिए।
थैंक यू सो मच।